आइए करते हैं फाइव का सेकंड पार्ट जो है, जो इसको हम इसमें प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिटी को प्रूव करना है। अगर एंगल ए जो है वो न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉस ए अपॉन में वन प्लस साइन ए प्लस में वन साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो इसको जो है हमने राइट हैंड साइड टू सेक ए के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, तो इसमें जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं, तो वो आ जाएगा कॉस ए और ब्रैकेट में वन प्लस साइन ए। तो इसका एलसीएम लिया तो कॉस ए से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होके वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो आप देखिए ऊपर जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश है उसमें वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को खोल लेते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो ये आ जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में टू साइन ए, और नीचे जो है आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर एज इट इज़ जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा। अब देखिए आपके पास साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये दोनों को इकट्ठा रखते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को इकट्ठा रखने का कारण ये है कि ये एक आइडेंटिटी है और जो कि वन के इक्वल हो जाएगी। तो बाकी का सारा जो है पार्ट है एज इट इज़ लिख दिया जाएगा जैसा कि पहले वाले टर्म में लिखा गया था, पहले पद की तरह ही दोबारा इसको लिख देंगे। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन हो गया, और फिर ये वन आपका दूसरा वाला पहले से ही था, तो ये हो गया टू साइन ए, और नीचे डिनोमिनेटर यानी कि हर को ऐसे का ऐसे लिख देंगे। आप देखिए क्या है कि वन प्लस वन आपके क्या हो गया टू, तो टू प्लस में टू साइन ए ऊपर आपका हर अंश हो गया, और नीचे हर जो है ऐसे का ऐसे लिख दिया यानी कि न्यूमरेटर को लिखा और फिर नीचे डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दिया। टू कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में से, तो टू और अंदर ब्रैकेट में वन प्लस साइन ए और नीचे डिनोमिनेटर यानी कि हर जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब देखिए वन प्लस साइन ए से कैंसिल हो गया और हमारे पास आया टू अपॉन में कॉस ए। अब जैसा कि हम जानते हैं कॉस ए सेक के का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस ए क्या होगा वन अपॉन में सेक के, और या यूं कह सकते हैं कि सेक के जो है वो वन अपॉन में कॉस ए के इक्वल होता है। तो वन अपॉन में कॉस ए किसके बराबर होगा सेक के, तो यहाँ पे वन अपॉन में कॉस ए की जगह सेक के लिख देंगे, तो हमारा राइट हैंड राइट साइड आया टू सेक के। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया। पसंद आए तो मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को